छात्रों, मैं रबिया आज आपको ईदगाह पाठ के बारे में बताऊंगी। ईदगाह पाठ कौन किसने लिखा? ईदगाह कहानी पाठ है, तो इसको लिखा है हमारे प्रेमचंद जी ने। अब इनका जन्म हुआ था, प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 में। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई और 1880 में उनका जन्म हुआ था। तो देखिए, उनका निधन हुआ था 1936 में, उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु 1936 में उनकी मृत्यु हुई थी। और उनको बचपन का नाम था उनका दनपत राय श्रीवास्तव। उनको दनपत राय श्रीवास्तव बोलकर बुलाया करते थे छोटे वक्त से, तो दनपत राय श्रीवास्तव उनका नाम था। तो उनको बचपन में बुलाया करते थे दनपत राय श्रीवास्तव। तो देखिए, ये इनको बचपन में बुलाते थे और उनको उपन्यास सम्राट भी कहते थे, उनको उपन्यास सम्राट भी बोलते थे। उपन्यास सम्राट भी कहा करते थे उनको। तो देखिए, अभी जैसे यहां पर उन्होंने उनका ये प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को और उनकी मृत्यु हुई थी 1936 में। उनको उनका बचपन का नाम था दनपत राय श्रीवास्तव। उनको उपन्यास सम्राट भी कहते थे क्योंकि उपन्यास उन्होंने बहुत सारे उपन्यास, एक दर्जन उपन्यास लिखे थे उन्होंने। तो वो उनके जो मुख्य उपन्यास थे, गोधन गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकला, प्रतिज्ञा, मंगल सूत्र, ये सभी उनके मुख्य उपन्यास थे और उन्होंने एक दर्जन उपन्यास लिखे थे, इसलिए उनको उपन्यास सम्राट भी कहते थे। और उनके 300 कहानियां लिखी थी उन्होंने। 300 कहानियां की रचना की थी उन्होंने। करने के बाद 300 उनके जो कहानियां थे उनके, वो कहानियों को 8 खंडों में, मानसरोवर शीर्षक में 8 खंडों में विभाजित किया गया था। मानसरोवर मानसरोवर शीर्षक तो मानसरोवर शीर्षक में उस 8 खंडों में, शीर्षक से 8 खंडों में विभाजित किया गया था। तो 8 खंडों में विभाजित किया गया था। इसके बाद में उनके जो मुख्य उपन्यास थे उनके, गोधन गबन, सेवा सदन, सेवा सदन और निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकला, प्रतिज्ञा, मंगल सूत्र आदि बहुत सारे उनके कहानियां थे और उपन्यास थे। और उनके जो मुख्य उपन्यास हो गए और इनके मुख्य जो कहानियां थे, इनके मुख्य प्रमुख कहानियां हैं उनके कहानियों में, उनके मुख्य कहानियों में बड़े घर की बेटी, बड़े घर की बेटी, कफन आदि उनके प्रमुख, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन आदि उनके प्रमुख कहानियां हैं। उनका निधन कब हुआ था? 1936। निधन 1936 में हुआ था। ठीक है, ये हमारे प्रेमचंद जी का परिचय है। तो उन्होंने हमारी ईदगाह कहानी को लिखा था। असल अर्थ क्या है ईदगाह? ईदगाह का अर्थ है जो ईद के समय प्रार्थना करने वाले स्थान को ईदगाह कहते हैं। जैसे मुस्लिम भाई लोग ईदगाह को जाकर, त्योहार के समय ईदगाह को जाकर नमाज पढ़ते हैं, और हिंदू भाई हमारे मंदिर को जाकर नमाज पढ़ते हैं, और हमारे ईसाई भाई हमारे गिरजाघर को जाकर नमाज पढ़ते हैं। और पर मुस्लिम भाई जो ईद के समय, वो बिल्कुल खाली त्योहार के समय ही जो रोज प्रार्थना करते हैं मस्जिद में, लेकिन जो ईद के समय त्योहार कहाँ करते हैं? त्योहार के समय सिर्फ ईदगाह में प्रार्थना करते हैं, इसी को ही ईदगाह कहा जाता है। तो ऐसे ही हम एक ईदगाह कहानी, हमारे प्रेमचंद जी के कहानी है ये। तो उन्होंने बताया कि ईदगाह कहानी किस तरह से हमें बताई गई है।
ईदगाह के लेखक जो हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हैं, तो उन्होंने ये कहानी में हमें अपनी को इस तरह से बताया कि ये आदर्शयुक्त यथार्थवादी भावनाओं से भरपूर है ये कहानी। तो इस कहानी के जरिए हमें मानव जीवन में किस तरह से नैतिक मूल्यों का विकास करना है और बड़े बुजुर्गों के साथ किस तरह से आदर सम्मान के साथ रहना है, ये हमारे भारतीयों की संस्कृति क्या है, ये हमारी सभ्यता क्या है, ये सभी चीजों को हमें ये ईदगाह कहानी से पता चलती है। तो जैसे यहाँ पर पवित्र रमजान मास के बारे में 30 रोजों के बाद में जो ईद आती है त्योहार, वो त्योहार के बारे में बताया गया है। जैसे वातावरण बहुत ही जब में होता है वातावरण बहुत ही सुंदर और सुशील होता है, तो जैसे वातावरण बहुत ही सुंदर था उस समय, तो जैसे पतिकों के पतिक मतलब मुसाफिर है, देखिए पतिको मतलब मुसाफिर, मुसाफिरों को जब वो रास्ते से जाते रहते हैं तो हमें पतिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नव फूलों की माला, त्यागी तौरों के जीवन से हम भी तो कुछ देना सीखे। तो कवि क्या बोल रहे कि जो मुसाफिर जहां से जलती दोपहर में बहुत ही धूप होती है, धूप के समय जब मुसाफिर रास्ते से जाते रहते हैं तो उनको छांव देता है पेड़, उनको परोपकार के कारण वो हमें छांव देता है और उसके खुशबू भरे फूल देता है। तो देखिए पेड़ों से हमें छाया भी मिलती है, फल फूल मिलते हैं, और हमें जो अगर से हमें भूख लगती है तो फल खा लेते हैं हम, त्योहार आता है तो उसके पत्तों से हम तोरण बना लेते हैं, और उसके पेड़ की लकड़ी से हम तरह तरह के वस्तुएं बनाकर घर में सजावट के लिए रख देते हैं, और पेड़ हमें छाया, जब हम थक जाते हैं कहीं आराम करना चाहते हैं तो हमें पेड़ हमें छाया देता है। तो इस तरह से पेड़ हमें हर चीज उसकी जो कुछ है उसके पास सभी कुछ हमें दान कर देता है। तो हमें भी उसी तरह पेड़ हमें क्या सिखा रहा है कि हम भी कुछ त्याग करें, हम भी कुछ दूसरों की मदद करें, हमें हम लोग भी कुछ देना सीखे, इस तरह से हमें ये पाठ के द्वारा कवि हमें बता रहे हैं। तो देखिए जैसे अभी ये रमजान का महीना था जब बहुत ही वातावरण बहुत ही सुंदर और बहुत ही त्योहार के समय हर कोई सुंदर बहुत खुश होते हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, नए कपड़े मिल जाते हैं सभी बच्चों को, बूढ़ाओं को, सभी को बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह सभी वहां पर खुश होकर जैसे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो देखिए आकाश में दिखता है कि कुछ अजीब सी लालिमा मतलब अरुणिमा मतलब रेडनेस जो इस तरह से आ जाती है, और ऐसा समझ में आता है कि कोई हमारे स्वागत कर रहा है आकाश के आप त्योहार मनाओ। तो इस तरह से त्योहार के समय बहुत ही खुश और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, सभी लोग बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जब जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं त्योहार के समय, उन लोग को ईदी मिल जाती है, ईदी मतलब त्योहार के समय जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग को जो पैसे दिया देते हैं उसको ईदी कहते हैं। तो जब वो बच्चे सभी मिलकर त्योहार मनाने के लिए तुम्हारे हाथ जलते समय मैंने तुम्हारे हाथ रोटी निकालते समय तुम्हारे हाथ जल गए थे इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा लेकर आया बोलकर जब बोलता है लड़का तो वो बहुत ही खुश होकर गदगदा हो जाती है। तो देखिए ये ईदगाह पाठ बहुत ही दादी और पोते के बीच में जो मार्मिक प्रेम को बताता है, बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा आदर सम्मान और नैतिक मूल्यों को बताने वाला पाठ है। जय हिंद। यहाँ पर क्या है, एक दादी के प्रति अपने पोते का मार्मिक प्रेम है, जो उसके अंदर जो प्रेम है वो वहां पर बताया जा रहा है कि उस लड़के को इतना, वहां पर छोटा लड़के को जब मिठाई दिखती है तो वो खाना सोचता है लेकिन वो नहीं खाता है क्योंकि अपने दादी का दुख उसको याद आ जाता है। जब वो खिलौने देखते हैं तो उसको बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन वो नहीं ले सकता है क्योंकि उसकी दादी वहां पर भी याद आ जाती है। तो जब वैसे उसको वहां पर बाजू में जो दुकान होती है लोहे के सामान की, तो वहां पर जाता है, जाकर उसके दुकानदार से बोलता है भाई, वहां पर उसको चिमटा दिखाई देता है, भाई ये चिमटा कितने में है? तो दुकान वाला बोलता है 6 पैसे। तो हमिद के पास कितने पैसे है? सिर्फ 3 पैसे। तो जैसे वो 3 पैसों में लेकर उसको, फिर वो बोलता है भाई मुझे 3 पैसों को दोगे? तो वो दुकानदार ने उसके जो भोली सूरत को देखकर उन्हें 3 पैसे में उसको दे देता है, जैसे कि मानो वो जीत गया है, हर चीज से जीत गया है। वो जैसे चिमटे को लेकर खांदे पे रखकर जैसे बंदूक लेकर निकल रहा है सैनिक
जैसे युद्ध पे जाते हैं उस तरह से वो रखकर जैसे निकलते हुए जाते रहता है। तो देखो सोचते हुए कि मेरी दादी मुझे देखकर खुश हो जाएगी, मेरे महले वालों को सभी को बुलाकर सभी बहुत लाड़ प्यार करेगी, इस तरह से सोचते हुए जाता है। जैसे वो दादी उसकी आवाज़ सुनती है, जैसे वो जाकर उसको उठा लेती है गोद में, तो हाथ में दिखता है उसके चिमटा। तो ये लड़का क्या लेकर आया है देखो, इस तरह से गया सुबह से जाकर, दोपहर हो गई है, कुछ खाया ना पिया, लेकर के आया है चिमटा, बोलकर उसकी दादी अम्मा बहुत परेशान हो जाती है और वो रोने लग जाती है। तो उसने बोलता है कि जब दादी अम्मा आप रोटी बनाते समय आपके हाथ जल जाते थे, इसीलिए मैंने आपके दर्द को दूर करने के लिए चिमटा लेकर आया। तो उसके दादी के जो प्रेम, जब जैसे ही उसका क्रोध है वो तुरंत प्रेम में बदल जाता है, स्नेह में बदल जाता है, और जो उसको गले लगकर रोने लगती है। तो बिल्कुल नादान लड़का कुछ समझ ही नहीं पाता कि वो किस मेरी दादी अम्मा क्यों रो रही है। तो देखिए यहाँ पर ये भेंट हो जाना, मतलब मैं यहाँ पर इसमें कुछ ये हमारे कहानी पाठ में कुछ यहाँ पर मुहावरे आए हैं, तो इसमें परलोक सिधारना मतलब मृत्यु प्राप्त होना, तो भेंट हो जाना मतलब अर्पित होना, दिल कचोटना मतलब बहुत ही दुखी होना। क्यों, किसका दिल कचोटा था यहाँ पर? अमीना का दिल कचोट गया था। तो देखिए गदगदा होना, बहुत प्रसन्न होना, बहुत ही खुश होना। क्यों, कौन खुश हो जाते हैं? अमीना खुश हो जाती है। क्यों? जब वो कहता है कि दादी अम्मा तुम्हारे हाथ जलते समय मैंने तुम्हारे हाथ, ईदी मतलब त्योहार के समय जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग को जो पैसे दिया देते हैं उसको ईदी कहते हैं। तो जब वो बच्चे सभी मिलकर त्योहार मनाने के लिए ईदगाह जाने के लिए जाते रहते, जो छोटा सा लड़का था हमीद, वो 4-5 साल का जो छोटा लड़का था हमीद, उसके माता पिता गुजर चुके थे, वो अपने दादी अम्मा के पास ही, उसका दादी अम्मा ही उसका पालन पोषण करती थी। तो उसके दादी अम्मा के पास ही वो रहा करता था, उसके गोदी में, उसके गोदी मतलब आंचल, तो उसके आंचल में रहा करता था उसके दादी अम्मा के पास में। तो वो उस समय जाना चाहता था सभी लड़कों के साथ, वो भी जा रहा था, लेकिन बहुत खुशी से जा रहा था, क्योंकि उसके दादी अम्मा कहा करती थी कि तुम्हारे पापा बहुत अल्लाह मियाँ के पास गए हैं, तुम्हारे लिए बहुत बहुत चीजें, अच्छे अच्छे पैसे लाएंगे, बहुत सारे पैसे लाएंगे, तुमको बहुत सारे चीजें लेंगे, इस तरह से। और उसकी माता, जब उसकी माता भी चले गई तो उसकी दादी अम्मा बोलती थी कि तुम्हारे माता तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आने गई है। तो उसके अंदर एक आशा थी कि मेरे माता पिता आएंगे और मेरे लिए सब कुछ लाएंगे। तो इस तरह से उसकी आशा ही उसको हिम्मत देती है। तो सभी लड़कों के पास जो ईदगाह जाने के लिए सब तैयार हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमीद के दादी अम्मा के पास में कुछ भी, आमिना, हमीद की दादी अम्मा का नाम है आमिना, आमिना के पास में घर में कुछ नहीं है, उसको ईद मनाने के लिए एक खोटी दाने तक नहीं है, कुछ किस तरह से वो ईद मनाए। तो लेकिन वो लड़के को लेकर जा सकती थी, 4 कोस वो दूर जाना है ईदगाह के लिए, तो उसके पैर में जूती भी नहीं है, उसकी टोपी भी काली पड़ गई है, गोट काला पड़ गया है उसका, और उसके कपड़े भी मैले हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश है। उसकी दादी अम्मा ने उसे 3 पैसे देती है कि कुछ लेट, बहुत देर हो जाएगी तो लड़का खा लेगा, कुछ खा पी लेगा, बोलकर वो सोचती है। लेकिन जैसे वो ईदगाह के निकल जाते हैं, सभी बहुत सारे वो बहुत खुश हो जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, मोहसिन सभी समी वो लोग पूरे जाते हैं, जैसे मोहसिन को समी को सबको देखकर सभी मिलकर वहां पर जाते हैं। पूरे ईदगाह की नमाज होने के बाद सभी बच्चे पूरे मिठाई की दुकान पर, खिलौनों की दुकान के पास चले जाते हैं। जैसे सभी लोग हर एक मिठाई खाने लगते हैं, देख कर लेने लगते हैं सभी खुश होकर। जब हमीद वहां पर मिठाई लेने के लिए जाता है तो उसको उसके भी मुंह में पानी आ जाता है, जैसे वो छोटा सा लड़का, उसके भी मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन वो अपने आप को मन को अपना संभाल लेता है, बोलता है कि नहीं अभी ये, उसके उस समय भी उसको अपनी दादी अम्मा की याद आ जाती है। जैसे उसके दोस्त उसके खिलौने लेकर लेते रहते हैं, बहुत सारे दोस्त उसके खिलौने लेते रहे, मोहसिन और पिस्ती बंदूक को पिस्टोल सभी लेते हैं, लेकिन उसको जब उसको वहां पर भी उसके दादी अम्मा का ख्याल आता है। जैसे उसकी दादी अम्मा जब रोटी बनाते समय उसका हाथ तवे से रोटी निकालते समय उसका